असलकम आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की प्याज की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े बन की बनके तैयार होती है इनका ज़ायका बहुत ही बेहतरीन होता है और यह बिल्कुल खस्ता बनती है तो वो चले रेसिपी करते हैं स्टार्ट यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं वन टी है धनिया वन टी स्पून सौफ़ वन टी ज़ीरा यानी क्यूमिन छः से सात लेंगे ब्लैक पेपर और वन टीस्पून है कसूरी मेथी तो ये है स्पेशल मसाले जिनको आपने घोस्तली ग्राइंड करनी है यानी दर्द सा पाउडर तैयार करना है पैन में मैंने शामिल किया है चार से पाँच टेबल स्पून ऑयल और जब तेल गर्म हो जाए तो ये पाउडर तैयार हो गई थी इसे मैंने शामिल कर दिया फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इस मसाले को अच्छी तरह से आपने भून लेना है मसाले भून चुके थे इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च तो एक मैंने हरी मिर्च ली थी और साथ ही यहाँ पे है लहसुन और अदरक ग्रेट की हुई अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने फ्राई करनी है अब मैंने शामिल किया है बेसन थ्री टेबल स्पून और अच्छी तरह से लो हीट में हमने बेसन को भी भून लेना है मसालों के साथ बेसन अच्छी तरह से भून चुकी थी इसमें शामिल करें कुछ पाउडर मसाले जिनमें है वन टीस्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला वन टीस्पून सॉल्ट और साथ ही हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल देंगे या फिर आमचूर पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें मेक शोर की हीट बिल्कुल लो होनी चाहिए अब हमने शामिल करना है प्याज़ और यहाँ पर मैंने दो प्याज़ लिए थे लार्ज साइज़ के जिसे मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था प्याज डाल के अच्छी तरह से मिला ली फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम में रखनी है अब हमने इसमें शामिल करना है दो मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है प्याज की कचौरी में आलू ज़रूर सी डलती है तो ज़रूर शामिल करें अच्छी तरह से मिला लें मज़ेदार हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है अब एक बोल में शामिल करेंगे मैदा दो कप यानी ऑल पर्पज फ्लावर हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल करें जिसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लिया था वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून शुगर ये मैंने पिसी हुई चीनी ली थी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें तो ये मिक्स हो चुकी है अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे फोर टेबलस्पून और अच्छी तरह से मिक्स करें तो ये मिक्स हो चुकी थी अब पानी हमने शामिल करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और एक सॉफ्ट डो हमने तैयार करनी है डो को हमने टेन मिनट्स का रेस्ट देना है अब हम इसे कचोरिया तैयार करेंगे तो सिंपली इसे मैंने एट पार्ट्स में कट किए थे आप चाहे तो यहाँ पे दस कचोरिया भी तैयार कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने दो को डिवाइड कर लिया है और एक पेड़ी लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ हमें टक करना है और यहाँ पे इस तरह से आपने पेड़े को थोड़ा सा बड़ा करना है अब इसमें हम तकरीबन वन टेबलस्पून जितनी स्टफिंग शामिल करेंगे और अच्छी तरह से आपने इनको अब बंद कर देना है तो उसे प्रॉपरली आपने सील करना है जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं आए और ये जिसके एंड्स है उसे आप प्रेस कर दें तो ये अच्छी तरह से सील हो चुकी है अब इनके एजेस को आप थोड़े से प्रेस करें तो एक कचोरी हमने बना के तैयार कर ली है तो इस तरह से मैंने तमाम तैयार कर लिए थे इन्हें करते अब हम फ्राई इसे हमने लो हीट में फ्राई करनी है तो एक कचोरी जब आप शामिल करें तो उसमें इस तरह से बबल्स आनी चाहिए तो इसे हम लो हीट में ही फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर ये अच्छी तरह से कुक हो जाए चार से पाँच मिनट के बाद आपने इसे टर्न कर देना है पाँच से छः मिनट में बहुत ही अच्छी कलर इसमें आ चुकी है फ्लेम को आपने यहाँ पे अब मीडियम टू हाई में कर देनी है और अच्छे से कलर आ जाए तब तक आपने इसे फ्राई करना है एक कचौरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है इसे हम निकाल लेते हैं दूसरी बात शामिल करने से पहले आपने हीट को बिल्कुल लो कर देना है और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और इसे भी मैंने शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे तो सारी कचौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती हैं इसके साथ मैंने सर्व किया है हरी चटनी इसी के साथ मैंने सर्व किया है दही वाली चटनी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है बहुत ही बेहतरीन कचौरियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी है ट्राई आपने लाजमी करनी है और ये देखिए कितनी खस्ता बनी है ब्रेकफास्ट में इसे आप बना सकते हैं फिर इवनिंग स्नैक्स में तो ये इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगी आपको और इनकी टेक्सचर देख कर के आपको अंदाज़ा हो रहा है कितनी मज़े की बनी है आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज़